नमस्कार दोस्तों, द अल्टीमेट कुकिंग में आप सभी का स्वागत है। और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब लाल बटन नहीं दबाएं तो दबा लीजिए, उसके साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी सभी वीडियोस आपके साथ नोटिफाइड रहे। और आज हम बनाएंगे मसाला मैगी। चलिए देखिए मसाला मैगी बनाने में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हमने दो बड़े पैकेट मैगी के ले लिए हैं और अब हम देखते हैं इन दो बड़े पैकेट मैगी को बनाने के लिए हमें किन किन सब्जियों की ज़रूरत पड़ेगी। आप देख रहे हैं हमने शिमला मिर्च ले लिया। शिमला मिर्च किस शेप साइज में कटे हैं, किस शेप में कटे हैं आप देख रहे हैं, ना बहुत ही बड़े हैं ना ही बहुत छोटे हैं। प्याज ही मैंने बारीक लंबी लंबी काट के रखी है, बहुत अच्छी लगती है देखने में जब बनेंगी, इसलिए मैंने लंबी लंबी काट ली है। कोई भी चीज़ बहुत छोटा नहीं काटना है। हरी मिर्च मैंने ले ली थोड़ी सी, जैसा कि आप देख रहे हैं हरी मिर्च ले ली मैंने। अब चलिए आगे देखते हैं। थोड़े हमने लहसुन ले लिए, लहसुन को बहुत ही महीन काटेंगे, लहसुन को इतना महीन काट लेंगे ताकि उसी में मिक्स हो जाए अच्छे से। और टमाटर ले लिया, टमाटर बहुत ही ज़रूरी, इसके हमारे अच्छा ही फ्लेवर आता, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है टमाटर से। अब आगे बढ़िए देखते हैं। हमने अपना गैस जला लिया है, गैस जलाते हुए कोई वैसे ऊपर न रखिएगा। ये देखिए हमने कढ़ाई ले ली, कढ़ाई के थोड़ा सा रिफाइंड डालते हैं। हमने रिफाइंड डाल लिया है, हमारे सब्जी के हिसाब से रिफाइंड कम दिख रहा था, थोड़ा रिफाइंड और डाल लेते हैं। मैंने थोड़ा रिफाइन ऑयल डाल लिया है। आप अपने हिसाब से ऑयल यूज़ करिएगा, ऑयल ज़्यादा मत यूज़ करिएगा, अपने जिस हिसाब से सब्जी उस हिसाब से ऑयल लीजिएगा। चलिए तेल देखिए गर्म हो चुका है तो मैंने लहसुन डाल लिए, लहसुन डाल लेते हैं। लहसुन डाल लिए, लहसुन के साथ हरी मिर्च भी डाल लेंगे। लहसुन हरी मिर्च को साथ में डाल लेंगे तो इसको थोड़ी देर पकाएंगे। चलिए देखते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे हमने लहसुन मिर्च को साथ में डाल के, अब जब तक हमारे लहसुन थोड़ा ब्राउनिश कलर के नहीं हो जाएंगे तब तक इनको मीडियम फ्लेम में पकाते रहेंगे। चलिए देखिए हम इसको चलाते रहेंगे ताकि ये अच्छे से पके, जले ना। अब देखिए हमें लहसुन दिख रहे होंगे आपको, धीरे धीरे ब्राउनिश कलर में होने लगे हैं। ये देखिए लहसुन धीरे धीरे, सभी मेरे लहसुन ब्राउनिश कलर में होने लगे हैं। लहसुन हो गए थे तो हम चलिए प्याज डाल देते हैं, प्याज ही डाल लिया। अब प्याज को भी थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए थोड़ा चला लेंगे प्याज को भी। ये बहुत ही पसंदीदा, बच्चों के लिए बहुत पसंद है, मोस्टली सभी को मसाला मैगी बहुत अच्छी लगती है। तो आप घर में किस तरह बनाना सीखें, एकदम जैसे कि आप बाहर खाते हैं मैगी वैसी एकदम लाजवाब घर में बनाएं। प्याज ही मेरी सॉफ्ट हो गई है, प्याज को थोड़ा सॉफ्ट होगा उसके बाद हम शिमला मिर्च डाल देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी प्याज एकदम सॉफ्ट हो चुकी है तो हम इसमें शिमला मिर्च डाल लेते हैं। शिमला मिर्च आधी प्याज जब पक जाएगी तो शिमला मिर्च डालेंगे ताकि मेरी शिमला मिर्च भी उसी के साथ प्याज के साथ पक जाएं। चलिए देख लीजिए हम शिमला मिर्च भी डाल दिए। अब प्याज शिमला मिर्च दोनों चीज़ को अच्छे से चलाते रहेंगे, पकाते रहेंगे। इसको बीच बीच में आप ज़रूर चलाते रहेंगे नहीं ताकि हमारी सब्जियाँ जल जाएंगी, क्योंकि नीचे कढ़ाई गर्म हो जाती काफ़ी। ये देखिए हम चला रहे हैं इसको बराबर। अभी आपको दिखाते हैं शिमला मिर्च कितने अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे। देखिए अभी हम देख रहे हैं कि हमारे शिमला मिर्च हुए कि नहीं हुए, अभी शिमला मिर्च हमारे नहीं पके हैं। अब इसको चला लेंगे फिर एक बार, हमारे शिमला मिर्च थोड़े थोड़े सॉफ्ट होने लगे हैं, इसको फिर से चला लेते हैं एक बार हम, चला लेते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, शिमला मिर्च हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखिए जो, इसलिए हम दिखाने आपको दिखा, अब हम इसमें टमाटर डाल लेंगे। टमाटर डाल लीजिएगा आप जब शिमला मिर्च हमारे पक जाएंगे, तो हमने टमाटर डाल लिया। अब टमाटर डाल के इसमें थोड़ा नमक डाल देंगे, नमक थोड़ा ही यूज़ करिएगा, जैसा कि हमारे मैगी के जो मसाले मिलते हैं उनमें नमक होता है, लेकिन हमारी हमने कुछ सब्जियाँ एक्स्ट्रा यूज़ की है तो इसके लिए हम थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे। हमने 1/4 चम्मच नमक डाल लिया है। अब मसाला डाल देंगे जो मैगी के साथ हमें मिलता है, मैगी मसाला बहुत ही स्वादिष्ट होता है, इसमें हमें कोई और मसालों को नहीं डालना है क्योंकि मैगी मसाला काफ़ी होता है। इसको हमने डाल लिया, इसमें सभी मसाले मिक्स होते हैं अच्छे से। चलिए इसको डाल के इसको थोड़ा चला देते हैं अच्छे से ताकि हमारे मसाले सभी सब्जियों से मिक्स हो जाए अच्छे से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा।
और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, आप भी बनाइए और हमें कमेंट करके बताइए कैसी आपकी मैगी तैयार हुई। चलिए देखिए, हमने मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है। जब आपके मसाले मिक्स हो जाएं तो आप एक बात का जरूर नोटिस करिएगा, इसको थोड़ी देर के लिए ढक दीजिएगा ताकि सारी सब्जियां सॉफ्ट हो जाएं, मसाले पक जाएं अच्छे से। तो अब इसमें पानी डाल लेंगे, जैसा कि हमने ढक के 2 मिनट के लिए ढक दिया था, अब पानी डाल लेंगे। जब पानी मेरा बॉयल हो जाएगा अच्छे से तब इसमें मैगी डालेंगे। तो आपको दिखाते हैं कैसे इसको करना है। समय बचाने के लिए हम बहुत अच्छी ट्रिक का यूज़ करते हैं, इसको अपने उससे ढक देंगे तो बहुत जल्दी पानी गर्म हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं पानी एकदम अच्छा उबल चुका है, 2 से 3 मिनट में मेरा पानी पक गया था। हमने लो फ्लेम में पका रहे हैं इसलिए 2 से 3 मिनट लगे, और अगर आपको और जल्दी करना है तो पानी पकाते वक्त आप गैस तेज कर लेगा। पानी पक चुका है, अच्छे से बॉयल हो गया है, अब इसमें मैगी डाल लेते हैं। मैगी डाल दिया, जो बची हुई मैगी नीचे पैकेट में टूट जाती है, मोस्टली सभी पैकेट में पाई जाती है, इसको भी डाल लेंगे। अब इसको अच्छे से पलट लीजिएगा। हमने इसको तोड़ा इसलिए नहीं ताकि ये लंबे लंबे बहुत ही अच्छे देखने में लगे, इसके लिए हमने इसको क्रश करके नहीं डाला। बहुत लोग क्रश करके डालते हैं लेकिन वो देखने में उतनी अच्छी नहीं होती, छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं। इसको आप जब सॉफ्ट हो जाए तो अंदर ही उसके तोड़ लें, इसलिए हम ये इस तरह इसको तोड़ना प्रेफर करते हैं ज़्यादा। उससे क्या बहुत ही छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं मैगी के। अब इस तरह हमने वो कर लिया है, उसको चलाते रहेंगे धीरे धीरे अच्छे से। जब ये हमारी सब मैगी लंबी लंबी टूट जाएंगी तो इसको फिर एक बार ढक करके पकाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हम अभी इसको सब अच्छे से तोड़ रहे हैं, बहुत ही अच्छा कलर है, इसको ढक देते हैं। हमने 2 से 3 मिनट के लिए ढक दिया था। जैसा कि फिर देख रहे हैं मैगी हमारी आधे से ज़्यादा पक चुकी है, थोड़ा सा और इसमें बाकी है, थोड़ा समय और लगेगा 2 मिनट। हमने बीच बीच चेक कर लेते हैं, बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में मैगी, बहुत ही अच्छा कलर आया है मसालों का, ये देखिए। इसको फिर ढक लेते हैं, 2 मिनट बाद मैंने ढक के फिर उठाया उसका कवर तो देखा एकदम मैगी मेरी पक चुकी थी। अब चलिए इसको सर्व करते हैं, देखिए आप कितनी अच्छी दिख रही मैगी। ये देखिए एकदम उठाते वक्त, इसलिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मैगी मेरी टूट जाती है इसका मतलब मैगी पक चुकी है। हमने इतने कलछुल से तोड़ के देखा, मैगी मेरी तैयार हो गई, बहुत ही स्वादिष्ट दिख रही, बहुत ही लाजवाब दिख रही। आप ज़रूर बनाइए और कमेंट बॉक्स